हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग पाशा स्ट्रीट फूड। और आज हम लोग आए हुए हैं रॉयल टिफिन सेंटर पर। तो आज हम यहां पर ट्राई करने वाले हैं यहां का पिज़्ज़ा डोसा और पास्ता डोसा यहां पर, जो कि बहुत ही फेमस है। तो ज़रूर हम लोग यहां पर का पिज़्ज़ा डोसा और पास्ता डोसा आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोग भी यहां पर आके एंजॉय कर सको। और यहां पर आप मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में भी यहां पर आप आ सकते हो। मैं आपके साथ टाइमिंग भी शेयर करूँगा, प्राइस भी शेयर करूँगा, ताकि आपको भी इजी हो जाए और यहाँ पर जब भी आप आओगे तो आपको इसका प्राइस भी मालूम रहे। तो तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, ये रहेगा रॉयल टिफिन सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर बनने वाला आज हमारा डोसा, जो कि पिज़्ज़ा डोसा रहेगा और पास्ता डोसा रहेगा। और इससे हटकर भी बहुत सारे वैरायटीज़ है, आप यहाँ पर आके ज़रूर शेयर कर सकते हो आप अपना ओपिनियन, और आप मुझे लोकेशन भी बता सकते हो अगर आपको कोई और एड्रेस भी मालूम है, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, अभी हम चेक करेंगे हमारा पिज़्ज़ा डोसा और पास्ता डोसा। तो ये बनने जा रहा है अभी बटर पनीर डोसा। ये क्या डाला आपने? चीज़, मोज़रेला चीज़ इस पर आ गया है। और ये आ गया इस पर पास्ता। और नेक्स्ट रहेगा अभी मंचूरिया। और इस पर आपने पनीर डाला अभी, राइट? चीज़ है ये, ओके, ठीक है। ये देख सकते हो आप उन्होंने कितनी क्वांटिटी में इस पर चीज़ डाला है। ये भी हो गया गार्निश। सो गाइस, वेलकम बैक विद अवर डिशेस। सो यहाँ पर रहेगा हमारा मंचूरिया डोसा और यहाँ पर रहेगा हमारा पास्ता डोसा, ठीक है। आपके साथ मैं इसका और इसका दोनों का भी शेयर करूँगा रिव्यू, जो टेस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा और क्या रहेगा दोनों में ऐसा यूनिक, जो यहाँ पर इतनी फेमस डिश है। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, ताकि मैं आपके साथ और इसी काइंड्स के, लाइक इसी तरह के आपके साथ मैं और वीडियो शेयर कर सकूँ, ताकि आपको भी पता चल सके। और अगर आपको ट्राई करना है तो यहाँ पर आप आ सकते हो। अगर आप मेरे सराउंडिंग देखोगे तो यहाँ पर जो सिटिंग है वो एकदम एक अलग ही एनवायरनमेंट है। लाइक आपको एक ओपन प्लेस रहेगा जहाँ पर आप बैठ सकते हो, और इसके ऊपर एक फ्लोर रहेगा जहाँ पर आप ऊपर भी बैठ सकते हो। लाइक फैमिली सेक्शन भी होगा, यहाँ पर आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, ठीक है। तो लेट्स गेट बैक टू अवर डिशेस। सो ये रहेगा हमारा मंचूरिया वाला डोसा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें मंचूरिया रहेगा, ठीक है। ये रहेगा हमारा मंचूरिया, और ये डोसा है जिसको पिज़्ज़ा की कटिंग में दिया गया है, और इस पर यहाँ पर इन्होंने चीज़ भी डाला है, और इस पर बहुत ही एक अलग ही किस्म का मसाला, लाइक जो नॉर्मल डोसा रहता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जो मैंने वहाँ पर तैर कर जो वीडियो शूट किया है तो उसमें थोड़ा सा यूनिक तरीके से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट बाइट लेते हैं मंचूरिया डोसा का। तो
तो ये आ गया अभी हमारा मंचूरिया और इसके साथ हम ट्राई करेंगे ये वाली चटनी। लाइक जो मंचूरिया है उसका टेस्ट एकदम बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही अच्छे से आ रहा है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। लाइक ये दोशे की तरह तो नहीं, बट दोशे में इसको प्रेजेंट किया गया है एक, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ये वाला था हमारा मंचूरिया वाला दोशा और हम अभी ट्राई करेंगे पास्ता वाला दोशा। तो मैं लेता हूँ ये पास्ता वाला बाइट, ठीक है, और इसको हम डिप करते हैं इस वाली चटनी में। वाह यार, इट वॉज अ वेरी यूनिक टेस्ट विच आई हैव ईटन नाउ, लाइक विच आई हैव टुक अ बाइट नाउ। तो इसका जो टेस्ट है दोनों से अगर कंपेयर करो तो कंपेयर तो आप इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आएगा आपको मंचूरिया का टेस्ट और इसमें आएगा आपको पास्ता, जो कि फुल्ली लोडेड पास्ता है इसमें। ये आप देख सकते हो इसमें पास्ता रहेगा ये। वाह, अगर आप नॉर्मल भी अगर आप पास्ता को खाते हो ना तो उसका टेस्ट आपको एक अलग ही रहेगा, उस पर जो आपको मसाला और जिसके ऊपर आपको जो सर्व किया गया है ना, जिस तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया वो दिखने में भी अच्छा है और उसमें टेस्ट में भी है। ऐसा नहीं कि इसको टेस्ट बता रहा है, इसका टेस्ट भी वैसे ही है और इसका प्रेजेंटेशन जो है वो भी एक यूनिक तरीके का है। तो यहाँ पर आप आ सकते हो रॉयल टिफिन सेंटर पर, आप नाइट बिफोर 12 o'clock यहाँ पर आकर आप आपका डिनर आराम से कर सकते हो विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, विथ ईच एंड एवरी वन। यू कैन कम, डेफिनेटली यू कैन हैव इट एंड इवन यू कैन ऑल्सो एन्जॉय द टेस्ट ऑफ इट। सो तब तक के लिए आप बने रहिए, तो आपके साथ मैं और आगे शेयर करूँगा इसका प्राइस क्या रहेगा और इसका लोकेशन क्या रहेगा, इसका डिश कितना रहेगा, कैसा रहेगा, सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिएगा। आप यहाँ के मैनेजर हो, राइट? हाँ सर जी। तो यहाँ पर आपने भी जो डिश सर्व किया है, एक मंचूरिया वाला और जो पास्ता वाला रहेगा, उसका जो प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा? सर आपने अभी जो डिश दिया ना मंचूरिया डोसा की, उसका रेट 150 से 150 है सर। उसका रेट तो बहुत ये है, लेकिन डिश बहुत, वो अपने पास बहुत 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 लोग आते हैं बहुत डिशेज है सर अपने पास, बहुत वैरायटी के डिशेज है, बहुत डोसे है अपने पास, लाइक मंचूरिया डोसा है, पास्ता डोसा है, पिज़्ज़ा डोसा है, पनीर डोसा है, अपने पास रॉयल फैमिली डोसा है, ड्राई फ्रूट डोसा है, सेजवान डोसा है, स्वीट कॉर्न डोसा है, अपने पास बहुत सारे, बहुत अपने पास लाइक 200 वैरायटी के डोसे है अपने पास। हाँ अपने पास इडली में तो बहुत वैरायटी, इडली में वैरायटी है, मैसूर भजी में है, लाइक वड़े में है, इडली में जैसा कि तवा इडली है, चीज़ इडली है, पनीर इडली है, और उसमें पिज़्ज़ा इडली भी है, पिज़्ज़ा इडली, पास्ता इडली, वड़े में भी ऐसी है, सेम मेनू आता है। अपने पास चाट भी है, जूस भी है अपने पास, अपने पास अपना ब्रांचेस है ना सर, बंजायस पे है, रोड नंबर 3 TV9 अपोजिट पे है, मादापुर पे है। ये लोकेशन एबिट्स है सर, भोगलगुंडा, भोगल एबिट्स। हाँ कोटी। हाँ ऑनलाइन सर्विस है अपने पास, स्विगी है, जोमेटो है, और अपने पास अपना लोकेशन भी है, अपना खुद का लोकेशन है। हाँ गूगल पे कभी भी सर्च मारो रॉयल टिफिन सेंटर, आपको दिख जाएगा। हाँ फैमिली सेक्शन अपने पास पूरा ऊपर फैमिली सेक्शन है सर, एसी सेक्शन है, पूरा एसी सेक्शन है, क्लीन, पूरा नीटनेस अपने पास मेंटेन है, पूरा मेंटेन है, पूरा हाइजीन, पूरा हाइजीन मेंटेन। तो अभी हम यहाँ पर अभी जिससे मिले थे वो रह गए हमारे साहिल भाई। सो गाइज अभी हम यहाँ के कस्टमर्स का भी रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये भाई बैठे हुए, तो भाई यहाँ पर आप आए थे, तो यहाँ पर आपने जो टेस्ट किया है उसका टेस्ट कैसा रहेगा भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, हाय भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से आता हूँ, यहाँ पर वीकेंड भी कराता हूँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ में आया हुआ हूँ, तो एवरी सैटरडे संडे तो यहीं पर होता है, तो बटर पनीर मसाला डोसा रहता है और काफ़ी बहुत सारे वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह साहिल भाई यहाँ पर रहते हैं, सामने और एक भी दुकान है रॉयल की, वहाँ पर अब्दुल्ला भाई रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा सा अच्छा फीडबैक है और सोशल डिस्टेंसिंग भी है अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोविड की तरफ से चल रहा है, तो अभी तो दिख रहा है थोड़ा बहुत चल रहा है, मगर टेस्ट में वन ऑफ द बेस्ट भाई,
लोग बोलते थे राम की वंडी बोल के, मगर भाई इनको ही बीट कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है एकदम, यहाँ पर कभी भी कर सकते हैं आप जी। अगर राम की वंडी का अगर मुझसे कोई पूछेगा तो डेफिनेटली लाइक कंपेयर तो मैं किसी को नहीं करूँगा, राम की वंडी अपनी जगह पर, रॉयल अपनी जगह पर, बट जो टेस्ट है ना लाइक मेजरमेंट नहीं है उसका कोई स्केल पे, लाइक आप अगर पॉइंट्स पूछेंगे तो उसका टेस्ट जो रहेगा अगर मेरी तरफ से पूछेंगे तो 10 out of 9 रहेगा, ठीक है, लाइक 10 से भी ज़्यादा, ठीक है। जो पास्ता वाला डोसा था और जो दूसरा वाला डोसा था जो हमने ट्राई किया वो एकदम डिफरेंट है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया भाई, थैंक यू। सो गाइस आज हम लोग आए हुए थे रॉयल पर, रॉयल डिफेंस सेंटर पर, मैं और मूसा और फहद, तो हम लोग तीनों ने भी यहाँ का डोसा जो रहेगा ना वो हमने यहाँ पर आज ट्राई किया है। तो मूसा और फहद जो हमारा चीज़ डोसा और जो यहाँ पर आप हमने यहाँ पर खाया था जो कि मंचूरिया वाला डोसा, तो उसका टेस्ट कैसा लगा आप लोग को? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वाइट क्रीम थी जी, तो पास्ता मलाई पास्ता, हाँ मलाई पास्ता वाला डोसा था और इसके ऊपर उन्होंने चीज़ किया डाला था और पनीर डाला था, इसका टेक्सचर है ना जी बहुत उठ के आ रहा, दैट्स ग्रेट, लाइक दिखने में ही नहीं लाइक उसमें टेस्ट में भी था बताना चाहिए, टेस्ट की बात करो दिखने में, ठीक है। अगर आप रेटिंग देना चाहोगे पिज्ज़ा वाला डोसा जो कि दोनों को एक ही साथ अगर आप कंपेयर तो नहीं कर सकते तो हम अलग अलग रेटिंग देते हैं, तो फहद अगर आप पनीर वाला जो डोसा था जो हमारा मंचूरिया वाला, तो उसको आप कितने रेटिंग दोगे? मंचूरिया का तो मैं 9 दूंगा, 9 out of 9 दूंगा, क्योंकि मंचूरिया मुझे बहुत पसंद आया और मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो ट्राई किया, ओके, मुझे काफ़ी बेटर लगा मुझे। और अगर मूसा अगर आप पास्ता वाला जो डोसा हमने ट्राई किया था उसको आप 10 out of 10 दूंगा, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा, टेस्ट भी अच्छा है और मतलब बहुत ही अच्छी बात है, ओके। तो अगर आप मुझसे पूछते हो ठीक है कि उसमें उसका जो रेटिंग रहेगा, तो उसका रेटिंग अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं बताऊंगा लाइक अगर सम अराउंड अगर आप मुझसे पूछोगे पनीर वाला डोसा जो हमने ऑर्डर किया, दोनों में एक पनीर था बट उसमें एक में था मंचूरिया और एक में था पास्ता, तो पास्ता का मैं रेटिंग देना चाहूँगा लाइक 10 + 9, ठीक है, लाइक रेटिंग के अप है, ज़्यादा उसको रेटिंग देना चाहूँगा क्योंकि उसका एक टेस्ट भी अलग है, और मंचूरिया जो है इससे थोड़ा सा कम है, लाइक उसको इम्प्रूवमेंट तो शायद नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एक डिश है जो कि उन्होंने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अगर आप मंचूरिया का पूछेंगे तो मैं 9.8 दूंगा मैं, ठीक है, 10 में से 9.8 दूंगा। तो अगर आप इसी तरीके के अगर आप और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो मेरे YouTube चैनल पर तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय YouTube चैनल, और अगर आप फहद के YouTube चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको गेमिंग के बारे में सीखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर वो फ्री फायर के बारे में आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करेगा और वो टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं आपके साथ, लाइव भी आएगा आपके साथ। तो अगर आप मेरे फ्रेंड को लाइक मेरे फहद जो दोस्त है उनको अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर चीज़ मालूम हो जाएगी। तो फहद आपका इंस्टा आईडी और आपका यूट्यूब आईडी बता दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है fahd54.ff, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे देखिए fahd54gamer फ्री फायर, दैट्स ग्रेट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइव गिव अवे ऑफर्स भी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, दैट्स ग्रेट गाइस। सो आज के लिए ये थी हमारी आज की वीडियो और आज हम लोग आए हुए थे रॉयल पर, मैं आपको जस्ट एक मिनट जूम आउट कर बता देता हूँ, जो कि ये लाइट रहेगा, ये रहेगा रॉयल टिफिन सेंटर, ठीक है, जो कि एबिट्स पर अवेलेबल है। तो आज हम लोग आए थे यहाँ पर, हमारा डिनर जो कि ब्रेकफास्ट टाइप में हमने किया है कंप्लीट। तो इसी तरीके के अगर आप वीडियोस चाहते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर तो ज़रूर जल्द से जल्द जाइए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो गाइस मा सलाम।